कि भाई इतना सॉफ्ट कैसे हो सकता है हाइलोरोनिक एसिड भी इतना इतना सॉफ्ट आपके चेहरे को नहीं कर सकता आई कैन चैलेंज जितना ये वाला स्टेप कर देता है आपकी स्किन बिल्कुल यू नो एकदम स्मूथ एंड सॉफ्ट एंड एवरीथिंग जो आप कमर्शियल्स में देखते हैं बस वैसी हो जाएगी आपकी स्किन एंड यूल बी वेरी वेरी हैप्पी जैसे ही हमारी स्किन को लगता है कि सन बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है वो एक पतली सी डार्क फिल्म हमारी स्किन पर चढ़ा देता है जिसको हम टैन कहते हैं जब भी हमारी स्किन को लगता है कि भाई हाइड्रेशन और मॉइस्चर की कमी हो रही है वो खुद ही ऑयल प्रोड्यूस कर देता है ताकि पोर्स डैमेज ना हो है तो ये दोनों ही प्रोसेस हमारी स्किन के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म पर फिर भी इनसे दोस्ती नहीं की जा सकती तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा वापस बैक ऑन ट्रैक आ जाए बिल्कुल ग्लोई हो जाए समर का ग्लो आपके चेहरे पर दिखे तो आज की वीडियो सिर्फ आपके लिए है वो दोबारा से अच्छे से टाइम प्रोड्यूस कर सके वो दोबारा से ऑयल प्रोड्यूस कर सके ऐसी आपकी त्वचा हो जाएगी तो ध्यान से देखिए सुनिए समझिए जैसा बताया जा रहा है एग्जीक्यूट कीजिए एंड हैव द ग्लोई समर स्किन फॉर योर सेल्फ नमस्कार और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रीति प्रेरणा पर आप सभी को नव संवत्सर नवरात्रि और ईद की हार्दिक शुभकामनाएं आप जो कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं आई रियली होप कि आपको वो शांति अनुभव हो आपको वो उत्साह अनुभव हो और आपकी लाइफ में बहुत 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 सारी खुशियां हमेशा बनी रहे आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने के लिए आई हूँ कि कैसे आप अपनी त्वचा को वापस बैक ऑन ट्रैक ला सकते हैं अगर उसमें एक्सस्टैन आ चुका है या बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रिएशन आपकी स्किन पर बिकॉज ऑफ द समर सीजन होता है तो ये जो प्रक्रिया मैं आपको पूरी की पूरी बताने वाली हूं ये आप सुबह शाम कभी भी कर सकते हैं लेकिन अगर शाम को करेंगे तो ज्यादा आपको बेहतर रिजल्ट्स दिखेंगे क्योंकि ज्यादा समय के लिए रिजल्ट सस्टेन करेंगे और आपकी स्किन को एक रिपेयर का टाइम मिलता है क्योंकि आप अपनी स्किन को रेस्ट देते हैं दी ऑब्वियसली रात को सोते समय राइट तो बाकी आपके ऊपर है आप जैसे करना चाहें बच्चे बूढ़े बड़े सभी इसको कर सकते हैं इसमें कोई भी ऐसी साइड इफेक्ट नहीं है जो कि मैं मेंशन करना चाहूंगी इनिशियली अगर किसी पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट के लिए आप एलर्जिक हैं तो आप उससे एक पैच टेस्ट लीजिए उसके बाद इसको ट्राई कीजिए एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ द इंग्रीडियंट्स जो कि यहां पर मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना जरूर कंसिडर कीजिए क्योंकि मैं यहाँ कमाल की डोइ और सेफ रेमेडी शेयर करती हूँ अराउंड स्किन केयर हेयर केयर एंड हेल्थ केयर एंड माई एंटायर फैमिली इज एक्सट्रीमली हैप्पी आप जाकर नीचे कॉमेंट सेक्शन रीड आउट कर सकते हैं जो मुझसे पहले से जुड़े हैं वो जानते हैं जो नए जुड़े हैं उन सभी को मैं बता दूं कि जो भी टॉपिकल एप्लीकेशन आप अपने चेहरे पर करते हैं वो मात्र 20 से 30 प्रतिशत आपको रिजल्ट्स देते हैं जी हां 70 से 80 प्रतिशत तक जो रिजल्ट्स है वो आपके इंटरनल डाइट पर आपके लाइफ पर आपके बॉडी हाइड्रेशन मैकेनिज्म इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है इसीलिए अच्छी डाइट लीजिए बॉडी को हाइड्रेटेड रखिए स्ट्रेस बिल्कुल मत लीजिए कोई भी गलत प्रोडक्ट यूज मत कीजिए एंड मेक द मोस्ट आउट ऑफ जो भी टॉपिकल एप्लीकेशन हम कर रहे हैं जब आप इंटरनल बॉडी का

वो जो कुछ भी टैन है वो अच्छे से चिपक जाए ऑयल के साथ और जैसे ही आप फेस वॉश करें सम पोर्शन ऑफ इट तो आपके चेहरे से अच्छे से निकल जाए जैसे आप अपने चेहरे को वॉश करते हैं प्लीज मेक श्योर कि आप किसी भी पॉइंट पर अपने चेहरे को रगड़कर साफ नहीं करेंगे पैट ड्राई करना इज द ओनली वे जो कि आपको अपने चेहरे के लिए फॉलो करना चाहिए स्टेप नंबर टू के लिए हम एक और क्लेंजर आपकी स्किन के लिए बनाएंगे जो कि आपके चेहरे पर जितने भी स्टबन नॉनसेंस चीजें हैं जो कि हमें नहीं चाहिए उनको बस पकड़ के बाहर लेकर आ सकता है जी हाँ अगर आप ड्राई स्किन के पर्सन हैं तो आप थोड़ा सा हनी इसमें ऐड कर लीजिएगा अगर ऑयली या नॉर्मल या सेंसिटिव है ऐप नो प्रॉब्लम आराम से इस्तेमाल कीजिए इसमें आपको लेना है अप्रोक्सीमेटली एक से डेढ़ चम्मच मुल्तानी मिट्टी जी हाँ फुलर्स अर्थ और इसको आपको डाइल्यूट करना है यूजिंग मिल्क दोनों ही चीजें गजब के कलेंजर हैं और आपकी स्किन को किसी भी हद तक हो रखा परेशानी पल्यूटेंस डर्ट ऑयल कुछ भी जो चिपका हुआ है उसको निकालने में बहुत कारगर है अच्छे से मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए थोड़ा तरल रखिएगा तो और भी बेहतर होगा और अपनी स्किन पर अच्छे से मसाज कीजिए एवरी पोर्शन ऑफ योर फेस आईज पर मेकअप लगाते हैं वहां लगाइए माउथ के अराउंड डार्कनिंग है वहां लगाइए नोज के अराउंड डार्कनिंग है वहां लगाइए अच्छे से अपने पूरे चेहरे पर लगा लीजिए गर्दन पर लगा लीजिए अगर नहाते समय कर रहे हैं तो बॉडी पर लगा लीजिए यू आर एब्सोल्युटली गुड टू गो और अच्छे से जब आपको इतमान हो जाए कि नहीं अच्छे से हमने सारे डर्ट एंड एवरीथिंग को मसाज करते हुए मुल्तानी मिट्टी के साथ मिला दिया है मिल्क ने अच्छी सी क्लेंजिंग कर दी है इसके पश्चात आप अपने चेहरे को अच्छे से वाटर से स्प्लैश कीजिए याद रखिए बहुत ठंडा नहीं बहुत गर्म नहीं बिल्कुल ल्यूक वॉर्म वाटर आपको लेना है और अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना है वो सभी लोग जो कि डाउट करते हैं कि ल्यूक वॉर्म से क्या होता है अरे ठंडे से ही मुंह धो लेंगे करके देखिए एक बार ही मैंने आपको कहा प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है एक बार कर कर, कर देखिए और थॉटफुल रहिएगा करते समय याद रखिएगा प्रेरणा ने चैलेंज किया था कि ल्यूक वॉर्म वाटर से शायद कोई डिफरेंस फील होता है एक्सपीरियंस कीजिए एंड देन वापस आकर लिखिए कि प्रेरणा कुछ नहीं हुआ हमें तो ठंडे पानी से भी उतना ही एक्सपीरियंस हुआ नहीं होगा आपको पता चल जाएगा और आप बोलेंगे अब क्या लिखे आप तो प्रेरणा सही सिद्ध हो गई है सो प्लीज गिव इट ट्राई एंड यू विल सी कि सही टेम्परेचर ऑफ वाटर आपकी स्किन को वैसे ही क्लीन कर देता है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यू विल फील रिलैक्स स्टेप नंबर थ्री के लिए आपको चाहिए थोड़ा सा पपाया की प्योरी पपीते को अच्छे से काट के थोड़े से पीसेस को ग्राइंड कर लीजिए और प्यूरी बना लीजिए बाकी पूरा खा लीजिए ताकि गट अच्छा हो जाए 80 परसेंट जो अंदर का काम करना था वो तो आपने कर दिया ट्वेंटी परसेंट का बाकी काम करते हैं इसमें आपको लेना है पिंच ऑफ टर्मरिक किचन टर्मरिक है तो बहुत ही पिंच लीजिए अगर वाइल्ड टर्मरिक आपके पास है तो वन थर्ड टेबल स्पून इज ग्रेट और इसमें आपको लेना है थोड़ा सा हनी ड्राई स्किन ऑयली स्किन सभी यूज कीजिए कोई परेशानी नहीं है अच्छे से मिला लीजिए और इस पैक को आप अपने चेहरे पर लगाकर मसाज करेंगे जी हाँ मत रह, बस रखा मत रहने दीजिए मसाज कीजिए ताकि आपकी स्किन के जो तीन लेयर है ना एपिडर्मिस और अंदर हाइपोडर्मिस तक अंदर तक चला जाए और आपकी स्किन जो रेजवनेट होगी जो टैन गायब होगा जो ऑयल का ऑयल ग्लैंड जो बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं डर जाते हैं कि भाई हाइड्रेशन नहीं आने वाली है उनको पता चल जाएगा हाइड्रेशन आ रही है एक्सेस काम नहीं करना है अच्छे से मसाज कीजिए एवरी पोर्शन ऑफ योर फेस देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है जो मसाजिंग क्रीम्स हमारे पास होती है वो आंखों के पास के लिए अलाउड नहीं होती माउथ के अराउंड अलाउड नहीं होती सेंसिटिव एरिया ऑफ योर फेस अलाउड नहीं होती लेकिन ये ऐसा मास्क है जो कि आपके चेहरे पर आराम से लगाइए कोई टेंशन नहीं है आप अपनी गर्दन पर लगाइए अपने शरीर पर लगाइए कोई भी परेशानी आपको नहीं होगी आई प्रोमिस यू जस्ट थॉटफुली आराम से कॉन्फिडेंटली इसको ट्राई कीजिए एंड यू विल बी हैप्पी अच्छे से मसाज करने के पश्चात जब आपको लगे कि हाँ जी ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से आ चुका है एंड टैनिंग अच्छे से जा चुकी है इसके बाद वाइप क्लीन योर फेस यू कैन वॉश ऑफ आल्सो लेकिन पानी सेव करते हुए अदरवाइज वाइप कर लीजिए अगर खुद पर भरोसा नहीं है कि पानी हम खत ना कर दें तो अच्छे से अपने चेहरे को क्लीन करने के पश्चात आप देखेंगे कि आपका चेहरा बहुत 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 वाइब्रेंट हो गया है बहुत क्लीन हो गया है बहुत सॉफ्ट हो गया है टैन रिमूवल एकदम से ना भी दिखे वैसे वैसे तो आप बिफोर क्लिक कर लो आई एम श्योर आपको बिफोर आफ्टर में थोड़ा सा डिफरेंस तो डेफिनेटली देखेगा इन द फर्स्ट एप्लीकेशन और अच्छे से आपको करना है अब नेक्स्ट स्टेप स्टेप नंबर फोर के लिए अब आपको एक मास्क प्रिपेयर करना है जिसके इंग्रीडियंट इतने कमाल के हैं कि आपको सिर्फ अपनी स्किन पर इसे लगा कर भी छोड़ दोगे ना तो भी काम हो जाएगा कोई मसाजिंग कोई किसी प्रकार का एप्लीकेशन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इसके लिए आपको चाहिए एक चम्मच ओट्स पाउडर देखिए प्लेन ओट्स को लाइए खाइए 80% परसेंट ऑफ द वर्क और बाकी थोड़ा सा ग्राइंड करके रख लीजिए क्योंकि बार बार यूज करने का मन करेगा एक बार यूज कर लिया तो एक चम्मच ओट्स में आपको लेना है एक चम्मच दही जी हां वही दही ठंडी ठंडी कूल कूल जो कि हमारे शरीर को भी ठंडा रखती है इन द गर्मियों का मौसम और जब आप इसको टॉपिकली लगाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि क्या मैजिक होने वाला है अगर आप मिल्क के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप उससे भी इसको यू नो पेस्ट बना सकते हैं बट कर्ड इज द ग्रेट ऑप्शन यहां पर क्योंकि हम एज अ मास्क यूज कर रहे हैं अच्छे से मिलाकर अपनी स्किन पर लगाकर जस्ट छोड़ दीजिए आंखों पर लगाइए आईब्राउज पर लगाइए एवरी पोर्शन प्रॉपरली लगाइए कोई परेशानी नहीं है एंड लेट इट बी इसको आपको सूखने नहीं देना है जब हल्का हल्का सा गीला ही होगा तब आप अपने चेहरे को अच्छे से वाटर स्प्लैश करके वाइप क्लीन कर दीजिए आसानी से हो जाएगा और जो मॉइस्चर आपको अपने चेहरे पर महसूस होगा प्लीज़ प्लीज अगर आप प्रीति प्रेरणा से जुड़े हो ना वापस आकर जरूर बताना इस स्टेप के बाद आपकी क्या फीलिंग थी बिकॉज़ इस स्टेप को करने के मैं हमेशा होती कि भाई, इतना कैसे हो सकता है आपकी स्किन बिल्कुल यू you नो know, एकदम स्मूद एंड सॉफ्ट एंड एवरीथिंग जो आप कमर्शल्स में देखते हैं बस वैसी हो जाएगी आपकी स्किन एंड बी वेरी वेरी हैप्पी स्टेप नंबर फोर को कर लेने के पश्चात आप अपनी स्किन को अच्छे से निहार लीजिए इंजॉय कर लीजिए सॉफ्टनेस को बिलीव कर लीजिए कि हाँ आपने घर पर ही ऐसा अचीव कर लिया है और उसके बाद अपनी स्किन को पैट ड्राई करने के पश्चात आपको चाहिए रोज़ वाटर रोज मिस्ट जो आपके पास अवेलेबल है और अच्छे से अपनी स्किन को टोन अप कर लीजिए देखिए रोज़ वाटर इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन एज अ टोनर जो हर स्किन टाइप अपने लिए यूज़ कर सकता है लेकिन फिलहाल अगर आप कोई टोनर अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ कर सकते हैं मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपने टोनर भी बनाए हैं आप वो क्यों यूज़ नहीं करते हो अपने जब आप ये प्रक्रिया बताते हैं देखिए मैं हमेशा कहती हूं राइट बैलेंस ऑफ डूइट योर सेल्फ रेमेडीज एंड मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट्स आपको गजब के रिजल्ट देगा अगर आप कंप्लीटली यू नो हाउस मेड चीजें यूज करोगे तो आपको वो वो जो बात है ना आपके चेहरे पे वो फील ही नहीं होगी मैं खुद कह रही हूं तो प्लीज आप अच्छा ब्लेंड बनाइए हम मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट्स हमने घर पर डीआईवाई बनाए हैं तो कुछ चीजें अगर आप बाहर की भी लेंगे तो आपको बहुत 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 अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे एंड वो एक बैलेंस बना रहेगा बाकी आपकी मर्जी है जैसा आप कंफर्टेबल फील करते हैं वैसा आप फॉलो कर सकते हैं अच्छे से इस मिस्ट को अपने आप ही अपनी स्किन को पीने दीजिए हाइड्रेट होने दीजिए रिलैक्स होने दीजिए और इसके पश्चात आपको लेना है मॉइस्चराइजर जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं डीआई बनाया हुआ है तो वो भी यूज कर सकते हैं मार्केट बेस यूज कर रहे हैं वो यूज कर लीजिए कोई स्लीपिंग मास्क यूज कर रहे हैं वो यूज कर लीजिए मात्र बोरोलिन यूज कर रहे हैं वो कर लीजिए जैसे आप कंफर्टेबल हैं अच्छे से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करके लिप बाम नहीं भूलना है वो करके एंड देन स्लीप भाई रात को थोड़ी ना सनस्क्रीन लगाते हैं तो आराम से सो जाइए और उसके बाद नेक्स्ट डे आपकी एक गजब की स्किन आपका वेट कर रही होगी जब आप सोकर उठेंगे शीशे में खुद को निहारिएगा कई लोगों को बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट हो सकता है अगर ऑयली स्किन है ऑलरेडी तो रात भर में स्किन अपने आप को रिपेयर करती है तो ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है जी हां दैट्स नॉर्मल उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि ये क्या हुआ ऑयल हटाने के लिए तो प्रोसेस किया था फिर से ऑयल आ गया देखिए शुरू में रात के समय में जो रिपेयर प्रोसेस चल रहा है आपकी स्किन के लिए आपने बहुत अच्छी प्रोसेस की है तो वो एक्सेस ऑयल हो सकता है बट जैसे आप सुबह उठ के मूध धोएंगे नॉर्मल मॉइस्चराइज करेंगे सनस्क्रीन पहनेंगे थ्रू आउट द डे आपकी स्किन सिर्फ क्लीन रहेगी और कोई एक्सेस ऑयल आपका प्रोड्यूस नहीं होगा हालांकि मैंने पूरी वीडियो में कोशिश करी है कि आप लोगों को, को कोई भी डाउट ना रहे सारे प्रश्नों के उत्तर मैं दे दूं लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है कोई प्रश्न है मन में जो आप पूछना चाहते हैं प्लीज फील फ्री टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन मैं या मेरे परिवार से कोई ना कोई डेफिनेटली आ जाएगा मौजूद होगा आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए अगर आप इस प्रोसेस को अपने लिए करते हैं तो प्लीज वापस आकर अवश्य लिखेगा मैं और मेरा परिवार बहुत खुश हो जाएंगे आपके एक्सपीरियंस को जान के आपके रिजल्ट को जान के जो कुछ भी आप हमें बताना चाहते हैं वी आर ऑल टू यू थैंक यू सो वेरी मच फॉर बींगयर आशा करती हूँ ये प्रस्तुति आप सभी को पसंद आई होगी समझ आई होगी अगर पसंद आई है तो डूबे व्रत हम्सअप मैं आप सभी से मिलती हूँ अपनी अगल, अगली वीडियो में विथ समथिंग मैजिकल फॉर योर हेयर तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमेशा याद रखिए यू आर अमेजिंगली ब्यूटिफुल लतफला